नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि मच्छरों को हम आयुर्वेदिक तरीके से हम कैसे अपने घर से दूर भगा सकते हैं, या यूं कहें कि अपने घर पर उनकी नो एंट्री कर दें। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, यानी कि मानसून चल रहा है पूरे भारत में, और इसकी वजह से क्या है कि जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, उसमें पानी भरने की वजह से अब मच्छर पनपने लग जाएंगे। और दोस्तों, आने वाला समय बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि मच्छरों की संख्या बढ़ेगी तो वो बच्चों पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक माँ बाप होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे हम अपने बच्चों को मच्छरों से स्वस्थ रखें, बचा के रखें। दोस्तों, वैसे तो आजकल कई सारे कॉइल्स आ गए हैं, मोर्टीन वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी कंपनी आ गई हैं जिनसे हम मच्छरों को भगा सकते हैं। कई सारे लिक्विड भी आ गए हैं जिनको हम अपने घर में लगा देते हैं और उसकी स्मेल से, उसकी बदबू से मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये रासायनिक चीज़ें हैं, इनका हमारे फेफड़ों पर, हमारे सांस क्रिया पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनके दुष्परिणाम भी होते हैं जो हमारे शरीर पर अप्रोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको इस वीडियो के अंदर एक नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आप नेचुरल तरीके से ही मच्छरों को भगा सकते हैं। दोस्तों, उसका नाम है लहसुन। मच्छरों को दूर रखने के लिए लहसुन एक ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। लहसुन में बहुत ज़्यादा बदबू होने के कारण क्या होता है कि मच्छर होते हैं वो भाग जाते हैं। लहसुन के अंदर तीखी और कटु गंध मच्छरों को दूर करने के लिए या काटने से रोकती है, यहाँ तक कि अपने घर में प्रवेश करने से भी रोकती है। तो दोस्तों, इस उपाय के अंदर आपको क्या करना है, आपको लहसुन की कुछ फली लेनी है, उनको पीस लेना है, और पीस लेने के बाद में आपको एक पानी में उनको उबाल लेना है। पानी में उबाल लेने के बाद आपके जो लिक्विड बनेगा उसको आप पूरे जिस कमरे में आप सोते हैं या आप चाहते हैं कि उसमें मच्छर ना आए, उसमें आपको क्या करना है, उस उबले हुए पानी को आपको कमरे में स्प्रे करना है। आप रूम में पूरे में चारों तरफ स्प्रे कर दीजिए तो आपका वो कमरा मच्छर युक्त हो जाएगा, यानी कि आप मच्छर आएंगे नहीं। तो दोस्तों, आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इनकी जो नुस्खा अपनाने वाले हैं कैसा लगेगा आपको। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। धन्यवाद।